मूवी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत हरे भरे पानी से घिरे हुए आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा हैजोक का बच्चा जिसका नाम सोनिक होता है, वो उस पूरे आइलैंड में इधर उधर घूमता है। और वो जब अपने घर में पहुँचता है तो वहाँ पर पहले से एक उल्लू होती है जिसका नाम लॉन्ग क्लो होता है। उसने सोनिक को अपनी पावर इस्तेमाल करने के लिए मना किया होता है, पर उसके पीछे वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं सोनिक को पकड़ने के लिए। तो उसे बचाने के लिए लॉन्ग क्लो उसे अपने साथ ले जा रही होती है उड़ाकर, पर एक तीर जाकर उसे लग जाता है जिससे ये दोनों जमीन में गिर जाते हैं। तो उसे बचाने के लिए लॉन्ग क्लो एक रिंग की मदद से वहाँ पर एक दरवाज़ा खोलती है जो अर्थ में जाता है, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें 10 साल बाद ग्रीन हिल्स मोंटेना शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉम नाम का एक पुलिस वाला सड़क में गाड़ियों की स्पीड नापने के लिए खड़ा होता है, पर उस सड़क में कोई भी गाड़ी नहीं दिखती सिवाय एक कछुए के। इसलिए जब टॉम अपने दोस्त से बात कर रहा होता है तो उसी समय टॉम की स्पीड मशीन वहाँ पर बहुत तेज स्पीड डिटेक्ट करती है, क्योंकि सोनिक वहाँ पर आकर टॉम के साथ मस्ती करता है। जब टॉम कार के बाहर चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर झाड़ियों में सोनिक का एक बाल मिलता है जिसे वो अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद सोनिक वहाँ पर एक कछुए की जान बचाता है, और उस कछुए को सोनिक अपने साथ बहुत स्पीड से ले जाता है उसे घुमाने के लिए। और उस कछुए को एक जगह में छोड़कर सोनिक अपने घर में चला जाता है, जहाँ पर जाकर सोनिक बहुत मौज मस्ती करता है क्योंकि वहाँ पर उसने अपने जरूरत का हर सामान जमा करके रखा होता है सिवाय एक दोस्त के। अगर कभी वो पकड़ा गया तो वो उस रिंग की मदद से मशरूम प्लेनेट में चला जाएगा। तो सोनिक वहाँ से ग्रीन हिल्स शहर में जाकर टॉम और उसकी वाइफ को देखता है जो वहाँ पर सब लोगों की मदद करते हैं। जब रात को टॉम अपने घर में आता है तो उसे उसकी वाइफ एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि टॉम को दूसरे शहर में पुलिस की जॉब मिल गई होती है। और अगले दिन हमें सोनिक को दिखाया जाता है जो रात को बेसबॉल ग्राउंड में जाता है दूसरे बच्चों का मैच देखने के लिए। तो उनके जाने के बाद रात को सोनिक उस ग्राउंड में अकेला खेलता हुआ इतनी तेज दौड़ता है कि उसके शरीर से इतनी तेज बिजली निकलती है जिससे उस पूरे शहर की लाइट उड़ जाती है। तो उसकी जांच करने के लिए सरकार वहां पर मिलिट्री और उसके साथ एक और आदमी को भेजती है जिसका नाम डॉक्टर रोबोटिक होता है, जो उस जगह को सर्च करने के लिए अपने ड्रोन को भेजता है और मिलिट्री उसके घर तक पहुंच जाती है। इसलिए सोनिक वहां से भागकर टॉम के घर में पहुंच जाता है। तो टॉम जब अपने गैराज में जाता है तो उसे वहां पर सोनिक दिखता है जो वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है, पर उतने में टॉम उसको एक बेहोश करने वाला डार्ट मार देता है और उसकी सारी रिंग सैन फ्रांसिस्को की एक बिल्डिंग में गिर जाती है। जब कुछ देर बाद सोनिक को होश आता है तो वो टॉम को अपने बारे में बताता है, पर उसी समय उसके बाहर डॉक्टर रोबोटिक आते हैं वहाँ पर जांच करने के लिए। जब वो टॉम के घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर सोनिक का एक बाल मिलता है, इसलिए टॉम के ऊपर वो ड्रोन बंदूक तान देता है जिसे देखकर सोनिक बाहर आ जाता है, पर टॉम उसे लेकर वहाँ पर छुप जाता है और वो ड्रोन उन दोनों पर हमला करता है, पर वो दोनों उस ड्रोन को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं अपनी कार से। जब वो दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक क्लब दिखता है जिसके अंदर टॉम और सोनिक चले जाते हैं। तो ये दोनों वहाँ पर जाकर बहुत मौज मस्ती करते हैं और अलग अलग गेम्स खेलते हैं, और कुछ समय बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो अगली सुबह उनके पीछे डॉक्टर रोबोटिक अपने रोबोट कार को छोड़ देते हैं उन्हें पकड़ने के लिए।
जो वहां पर आकर उनकी कार में हमला करती है, पर सोनिक जाकर उस कार को तबाह कर देता है। तो उस कार के अंदर से एक छोटा सा उड़ने वाला ड्रोन बाहर निकलता है, जो उनकी कार के पास जाकर सोनिक के हाथ में चिपक जाता है, जिसे सोनिक अपने हाथ से किसी तरह से छुड़वा कर फेंक देता है, पर उसे फेंकते ही वो चीज फट जाती है, जिससे सोनिक भी घायल होकर बेहोश हो जाता है। तो टॉम सोनिक को लेकर अपनी वाइफ के पास आता है, जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाती है, पर उसे समझाने के बाद वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहां से ये तीनों उस बड़ी वाली बिल्डिंग के पास जाते हैं, जहां पर सोनिक की रिंग्स गिरी होती है। तो ये तीनों एक लिफ्ट की मदद से उस बिल्डिंग की छत तक जाते हैं, जहां पर जाकर सोनिक को उसकी रिंग्स मिल जाती है। जब सोनिक वहां से जाने वाला होता है, तो उसी समय वहां पर डॉक्टर रोबोटिक वहां पर अपने ड्रोन्स के साथ आते हैं। तो सोनिक उन दोनों को बचाने के लिए उन दोनों को उस बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, और वो ड्रोन सोनिक के ऊपर हमला करते हैं, पर सोनिक उनसे तेज होता है, इसलिए वो बचकर उस बिल्डिंग से नीचे जाता है। पर डॉक्टर रोबोटिक का प्लेन भी बहुत तेज होता है उस पंख की मदद से, तो वो प्लेन सोनिक पर हमला करता है, जिससे उसकी सारी रिंग्स हवा में इधर उधर गिरती हैं। पर किसी तरह से उस रिंग की मदद से सोनिक टॉम और उसकी वाइफ को दूसरी जगह में भेज देता है, और खुद वहां पर उन सारी रिंग्स को समेटकर वहां से भागता है। तो उसका पीछा डॉक्टर रोबोटिक करता है। सोनिक उसको चाइना से लेकर इजिप्ट तक अपने पीछे दौड़ाता है, पर इजिप्ट में जाकर सोनिक डॉक्टर रोबोटिक को एक बवंडर में फंसा कर वहां से भाग जाता है उस रिंग की मदद से। तो उसके पीछे डॉक्टर रोबोटिक भी आ जाता है उसे मारने के लिए, पर उसे बचाने के लिए टॉम उसके पीछे से हमला करता है। तो डॉक्टर रोबोटिक उसे अपनी शिप से नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर वहां पर और भी लोग आ जाते हैं उसे बचाने के लिए, और सोनिक भी वहां पर उठकर खड़ा हो जाता है, जो अपनी पूरी शक्ति से डॉक्टर रोबोटिक के शिप पर हमला करके उसे तोड़ देता है, और आखिरी में उस रिंग की मदद से उसे और उसकी शिप को मशरूम प्लेनेट में भेज देता है। और यहां से ये तीनों अपने घर में चले जाते हैं, जहां पर टॉम अपने घर में सोनिक के लिए भी एक कमरा बना देता है, जिसे देखकर सोनिक भी बहुत खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर रोबोटिक उस मशरूम प्लेनेट में अकेले होते हैं, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और मूवी के आखिरी सीन में हमें एक और हेजहॉग को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर सोनिक को ढूंढने के लिए आई होती है, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और हम मिलते हैं अगली बार एक बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ। गुड बाय।